शर्मा टेल सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज शर्मा। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, एड रिसर्च का एन एस द्वारा के लिए बनाया गया है, जो 10th क्लास या 12th क्लास से पढ़ते हैं। अर्जुन का विषय है होम साइंस, और आज इस वीडियो में चैप्टर 2 के कुछ जरूर क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, आप इन क्वेश्चन आंसर की अच्छे से तैयारी किया जाएगा। साथ में आप जो है देखा जाए, इन क्वेश्चन को तो तैयारी करिए करिए, लेकिन जब इन क्वेश्चन की आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए, इसके बाद आप जो है बुक्स में से, गाइड में से, या जहाँ से भी आपको उसे लेके, वहाँ से अपना और भी क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखा जाए, मैं आपके लिए ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आऊँ, बहुत ही कम क्वेश्चन लेकर आऊँ, लेकिन जो भी क्वेश्चन लेकर आऊँ, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल, पहला सवाल में इसमें कहा जाता है, परिवार किसे कहते हैं, परिवार क्या होता है? तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। पहले जो यहाँ लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ कि परिवार होता क्या है। परिवार सार्वभौमिक होते हैं, और इसमें विवाहित पुरुष, महिला व उसके बच्चे, उनके बच्चे शामिल होते हैं। परिवार का अर्थ है कुछ संबंधित लोगों को समूह जो एक ही घर में रहते हैं। परिवार का सदस्य है, परिवार से जन्म, विवाह व गोद दिए जाने से संबंधित होते हैं। तो सिंपल सा देखा जाए, यहाँ पे हमारे यहाँ पर परिवार का मतलब क्या बनता है? परिवार का मतलब बनता है कि जहाँ कुछ लोग साथ में रहते हैं। लेकिन कैसे? जो अपना रिश्ते में है, या रक्त संबंध में है, या वैवाहिक संबंध में है, या गोद लिए हुए हैं, और वो लोग जो अपना एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं, तो वो हमारे के लिए क्या बनता है? परिवार। इसके अलावा देखा जाए, परिवार हमारे देखा जाए दो तरह के होते हैं, सन परिवार और एकल परिवार, जिसके बारे में अगले क्वेश्चन में जानेंगे हम। तो फिलहाल हमें इतना ही बताना है कि परिवार कैसे कहते हैं। तो परिवार हमने बता दिया, परिवार कैसे कहते हैं। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 में ऐसा कहा जाता है, परिवार के कार्य क्या है? कि यहाँ देखा जाए, हमारा परिवार है, लेकिन उस परिवार के कार्य क्या बनते हैं, किस लिए होता है परिवार, परिवार के कार्य क्या है? तो सबसे पहले इसमें देखा जाए, निश्चित रूप से परिवार नवजात शिशुओं व बच्चों, किशोरों, बीमारों और बुजुर्गों की सबसे अच्छी देखभाल करता है। तो परिवार के अंदर ही देखा जाए, जो नवजात शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, किशोर होते हैं, बीमार लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, इनकी देख रेख परिवार में होती है। तो इनकी देख रेख जो अच्छी होती है, सबसे अच्छी होती है, परिवार के अंदर होती है। यह अपने सदस्यों को एक ऐसा भावनात्मक आधार देता है जो अन्यथा संभव नहीं है। तो यहाँ देखा जाए, जो फीलिंग परिवार वालों के साथ में आती है, जो अपनापन परिवार वालों के साथ में आता है, वो कहीं नहीं आता। यह अपने सदस्यों को शिक्षित करता है। बच्चों को समाज के नियम सिखाए जाते हैं कि परिवार ही व्यक्ति की जो पहली पाठशाला होती है। जब परिवार में व्यक्ति आता है, उसको जन्म होता है, तो वो उसके लिए पहली पाठशाला होती है। उसके जो माता पिता, परिवार के लोग होते हैं, वो उसके लिए पहले गुरु होते हैं, जो उसे सिखाते हैं, उसे बोलना सिखाते हैं, उसे खाना सिखाते हैं, तो ऐसे कई चीज़ें सिखाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए, तो यहाँ पर देखा है बच्चों के लिए यहाँ पे समाज के नियम सिखाए जाते हैं, किसके अंदर? परिवार के अंदर। यह आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब क्या है कि अगर व्यक्ति को, बच्चों को कभी अगर पैसों की जरूरत पड़ती है कि मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, इसको ये करना है, वो करना है, तो ऐसे में जो देखा जाए, जो बच्चे होते हैं, जो भी व्यक्ति होते हैं, वो सबसे पहले पैसे कहाँ से उधार मांगते हैं? वो पैसे मांगते हैं कहाँ से? अपने माता पिता से, अपने परिजन से। तो यहाँ देखा जाए, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है फिर हमारे यहाँ पर परिवार। इसके अलावा देखा जाए, यह मनोरंजन का स्रोत भी है कि यहाँ पर देखा जाए, परिवार है, परिवार में रहते हैं अपने माता पिता, परिजन, भाई बहन, जो भी है हम उनके साथ में रहते हैं। और ऐसे में होता है क्या है, उनसे कई बार जो हंसी मजाक होता है, कई बार लड़ाई होती है, कई बार कुछ ना कुछ होता रहता है, त्यौहार वगैरह मनाते हैं या कुछ ना कुछ। और ऐसे में देखा जाए, परिवार हमारा क्या होता है, ऐसे मनोरंजन का साधन भी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में से कहा जाता है, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? तो जैसे देखा जाए, पहले सवाल था कि परिवार किसे कहते हैं, और मैंने आपको बताया बताया परिवार जो देखा जाए क्या होता है, कि यहाँ पर जो रक्त संबंध है, रिश्तेदार है, या देखा जाए गोद लिए हुए होते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसे वैवाहिक संबंध होते हैं जो अपना एक साथ रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, वो परिवार है। लेकिन परिवार भी हमारे यहाँ पर देखा जाए, दो तरह के परिवार होते हैं। एक होता है संयुक्त परिवार, एक होता है हमारे यहाँ पर एकल परिवार, एक हमारा जॉइंट फैमिली, एक हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली। तो यहाँ देखा जाए, संयुक्त परिवार के बारे में जानते हैं कि जॉइंट फैमिली होती क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे सवाल बन सकता है आपका, कि यहाँ पर संयुक्त परिवार के लाभ क्या है, इसकी सीमा क्या है, या संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, संयुक्त परिवार से क्या अभिप्राय है। तो सवाल कैसे भी आपके एग्जाम में आ सकता है, आपको ज़रूरत है सवाल को समझने की। तो यहाँ देखा जाए, परिवार संयुक्त परिवार कुछ एकल परिवारों से मिलकर बनता है, और परिणामस्वरूप यह काफ़ी बड़ा होता है। यह पति पत्नी, उनकी अविवाहित लड़कियाँ, विवाहित लड़कों, उनकी पत्नियों व बच्चों से मिलकर बनता है। यह एक या दो पीढ़ियों के लोगों का समूह है जो साथ रहते हैं।
तो सिंपल सा अगर देखा जाए संयुक्त परिवार का मतलब क्या है, एक बड़ा परिवार, एक ऐसा परिवार जिसमें जो माता पिता रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं जिनकी शादी हो चुकी है और उनके भी बच्चे हैं, तो लगभग देखा जाए 2 या 3 या से ज़्यादा पीढ़ी इसमें हमारी हो सकती है जो एक साथ मिलकर रहती है, सबके साझे रसोई होती है। और इसके भी यहाँ पे देखा जाए सवाल बनता है, यहाँ पे हमारे संयुक्त परिवार किसे कहते हैं और संयुक्त परिवार के लाभ क्या होते हैं, तो यहाँ देखा जाए आपको बताना है संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। ये हमने जान लिया संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, अब जान लेते हैं थोड़े इसके फायदे के बारे में कि संयुक्त परिवार के फायदे क्या है। तो जैसे संयुक्त परिवार होता है तो संयुक्त परिवार में क्या होता है, जैसे काम का बंटवारा होता है, जैसे देखा जाए परिवार में बहुत सी औरतें हैं तो उनके बीच में काम का क्या होता है, बंटवारा होता है, जैसे कपड़े धोने का काम किसी और का है, खाना बनाने का काम किसी और का है, साफ सफाई का काम किसी और का है या कुछ ना कुछ। तो यहाँ देखा जाए संयुक्त परिवार में जो काम को लेकर बंटवारा होता है, साथ में देखा जाए परिवार का एक मुखिया होता है, एक तरह का मेन हेड होता है, मेन हेड ऑफ द फैमिली होता है जो परिवार के फैसले वगैरह लेता है। इसके अलावा देखा जाए संयुक्त परिवार में आए दिन कोई ना कोई त्यौहार वगैरह होते हैं, जैसे कोई शादी वगैरह होती है या कहीं ना कहीं जाना होता है, तो ऐसे में देखा जाए कि जो रिश्तेदारी होती है बहुत ही अच्छे से मनाई जा सकती है संयुक्त परिवार में, क्योंकि अगर किसी की शादी है और परिवार में होता है क्या है कि किसी न किसी को तो जाना होता ही है, तो वो जाना क्या होता है आसान हो जाता है, जबकि आप एकल परिवार में पति पत्नी है उन्हें छुट्टी नहीं मिलती है, तो ऐसे में कई बार उनका शादी में जाना या ऐसे उत्सव में जाना क्या होता है कैंसिल हो जाता है। लेकिन संयुक्त परिवार में ऐसा नहीं होता है, संयुक्त परिवार में क्या है कि परिवार में से कोई ना कोई व्यक्ति तो जरूर जाता ही जाता है। इसके अलावा देखा जाए संयुक्त परिवार में ये भी फायदेमंद बनता है कि अगर परिवार में काफ़ी लोग अपना कामकाज कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अगर एक व्यक्ति अगर नौकरी नहीं भी करता है तो भी उसको रहने को खाने को अच्छे से मिल जाता है। इसके अलावा देखा जाए हमारे संयुक्त परिवार में फ़ायदा क्या है कि यहाँ बुज़ुर्गों की देख रेख अच्छी हो जाती है, बच्चों को अच्छे संस्कार मिल जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए पर संयुक्त परिवार में रहने का फ़ायदा क्या है कि यहाँ जो भी त्यौहार वगैरह होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, बहुत ही अच्छे से मनाए जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए संयुक्त परिवार में रहने के और भी कई सारे यहाँ पे हमारे फ़ायदे होते हैं कि यहाँ देखा है यूनिटी होती है, लोग मिलजुल के रहते हैं, तो लोग मिलजुल के रहने से करते क्या है कि अपना जो है दूसरे लोग भी जो उंगली उठाने से डरते हैं। तो यहाँ देखा जाए मैंने आपको बताना चाहा है यहाँ पर संयुक्त परिवार के क्या क्या फ़ायदे हैं, लेकिन यहाँ देखा जाए अगर यहाँ किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। नुकसान क्या बन जाते हैं, कुछ लिमिटेशन भी बन जाती है, वो लिमिटेशन क्या बन जाती है इसकी कि जैसे देखा जाए परिवार में आपको बताया कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कुछ ना कुछ काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन वो सारा पैसा परिवार में आके क्या होता है एक बराबर हो जाता है कि जो भी पैसा कमाया जाता है परिवार के मुखिया को दिया जाता है, कोई कम कमाता है कोई ज़्यादा कमाता है, लेकिन वो सारा सारा पैसा क्या है कि परिवार के कार्यों में लग जाता है। ऐसे में जो है जो व्यक्ति ज़्यादा कमाता है वो इस बात को सोचता है कि मैं तो ज़्यादा कमाता हूँ वो कम कमाता है, लेकिन फिर भी कहते क्या है कि एक बराबर, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ही सोचता है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो गलत है, मैं ज़्यादा कमाता हूँ, मैं ज़्यादा पैसे देता हूँ तो मुझे ज़्यादा फैसिलिटी मिलनी चाहिए, तो ये कुछ उसकी लिमिटेशन बन जाती है। इसके अलावा देखा जाए कई बार जो होता है संयुक्त परिवार में पति पत्नी को एक दूसरे के लिए टाइम मुश्किल मिल पाता है, क्योंकि दिन भर जो है पर परिवार में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है, पति पत्नी जो है एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल पाते कि वो अपने आपस में बैठ सके, अपन बात कर सके, तो कई तरह से इसमें जो है पर कुछ इसकी लिमिटेशन बनती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पश्चाचार में ऐसा कहा जाता है संयुक्त परिवार की विशेषता क्या है। तो जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था संयुक्त परिवार की विशेषता क्या बनती है, इसके क्या फ़ायदे बनते हैं, इसकी क्या लिमिटेशन बनती है, इसकी क्या सीमाएं बनती है, तो सवाल कैसे भी आ सकता है। तो यहाँ देखा जाए मैंने आपको यहाँ पर बताना चाहा है पर संयुक्त परिवार की विशेषता क्या बनती है। सबसे पहले यहाँ पर सभी सदस्यों की एक ही छत होती है, सभी सदस्यों की साझे रसोई होती है, यानी कि सबका खाना एक ही रसोई बनता है, सभी सदस्य परिवार की संपत्ति के हिस्सेदार होते हैं, संयुक्त परिवार का सबसे बड़ा पुरुष परिवार का वित्त संचालक और संपत्ति देखता है, यानी परिवार का खर्च का एक ही वित्त स्रोत से चलता है, सभी सदस्य पारिवारिक घटनाओं, त्योहारों व धार्मिक उत्सवों में एक साथ शामिल होते हैं, परिवार की बेटियां शादी के बाद अपने पति के घर चली जाती है जबकि बेटे घर में ही अपनी पत्नियों व बच्चों के साथ रह जाते हैं, संयुक्त परिवार में निर्णय घर के सबसे बड़े पुरुष सदस्य द्वारा के लिए जाता है, घर की सबसे बड़ी महिला भी निर्णय लेने का कार्य कर सकती है। तो ये कुछ हमारे बनते हैं संयुक्त परिवार की खासियत। तो मैं ऑलरेडी पहले आपको इसके बारे में बता चुका हूँ कि संयुक्त परिवार की क्या खासियत है, क्या इसकी विशेषता बनती है, क्या इसके गुण बनते हैं, क्या इसकी सीमा बनती है। सवाल आपके एग्जाम में कैसे भी आ सकता है, आपको जरूरत है सवाल को अच्छे से समझने की, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप आता हुआ सवाल छोड़ देते हैं, वजह क्या है कि आप सवाल को अच्छे से समझ नहीं पाए। इसलिए सवाल को अच्छे से समझिए और उसका आंसर आप पॉइंट्स में करने की कोशिश करिए, क्योंकि पॉइंट्स में करोगे तो ज़्यादा नंबर आने के चांस रहता है, लेकिन अगर आप उसको निबंध के जैसे कर दोगे तो ऐसे में आपके नंबर वगैरह कटने के चांस बन जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं
अब बात करते हैं प्रश्न पांच की। प्रश्न पांच में ऐसा कहा जाता है, एकल परिवार किसे कहते हैं? तो बहुत आसान है, एकल परिवार छोटा परिवार जिसमें पति पत्नी रहते हैं और उनके वो बच्चे रहते हैं जिनकी शादी नहीं हुई। तो यानी कि वो बच्चे रहते हैं जो क्या है, अनमेरिड है, बैचलर है, तो ये हमारा बनता है एकल परिवार। तो साधारणतः एक छोटी इकाई है जिसमें पति पत्नी व उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, ये बनता है हमारा यहाँ पर छोटा परिवार, एकल परिवार। अब इसकी भी देखा जाए कुछ खासियत है, कुछ इसके गुण हैं, कुछ विशेषताएं हैं, उसके यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है, तो वो चलिए अगले क्वेश्चन में करते हैं। प्रश्न छः, प्रश्न छः में ऐसा कहा जाता है, एकल परिवार की विशेषताएं क्या है? तो बहुत आसान है, एकल परिवार के सदस्य साधारणतः अधिक आत्मनिर्भर होते हैं और वे आत्मविश्वास से भरे हुए वे किसी भी काम में पहल करने में सक्षम होते हैं। एकल परिवार में बच्चों को स्वयं निर्णय लेने के लिए उत्साहित किया जाता है जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। सदस्यों के बीच गहरा भावनात्मक लगाव विकसित होता है। ऐसा अधिक एकांत व आपसी मेल मिलाप के अवसर मिलने के कारण संभव हो पाता है जो एकल परिवार में भली भांति उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ देखा जाए एकल परिवार के भी अपने क्या होते हैं, कुछ फ़ायदे होते हैं। फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे पति पत्नी को एक दूसरे के लिए टाइम अच्छे से मिल पाता है। और तो एकल परिवार में देखा जाए कुछ हमारी लिमिटेशन बनती है, कुछ इसकी सीमाएँ बनती है। मतलब क्या बनता है कि माँ बाप जो होते हैं हर समय बच्चों के साथ नहीं रह सकते, माँ बाप जो अपने बच्चों को कई बार अच्छे संस्कार नहीं सिखा पाते क्योंकि वो अपने काम में इतना व्यस्त रहते हैं, अपना पैसा कमाने में इतना व्यस्त रहते हैं कि जो बच्चों के ऊपर होता है ध्यान दे नहीं पाते, और ऐसे में बच्चे जो है कई बार गलत संगत में पड़ के अपना भविष्य ख़राब कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए जो यहाँ पर इसके कुछ लिमिटेशन बनती है, कुछ सेवा बनती है। मतलब क्या बनता है कि अगर एकल परिवार में माता पिता दोनों में किसी की मृत्यु जाती है या दोनों में मृत्यु हो जाती है तो बच्चे हो जाते हैं अनाथ, जबकि संयुक्त परिवार में माता पिता की मृत्यु होने पर उनका लालन पालन पोषण जो भी है, उनका जो उनके जो दादा है, उनके जो चाचा वगैरह है या जो भी है उनके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ देखा जाए एकल परिवार की भी अपने कुछ खासियत बन जाती है तो कुछ उसके नुकसान भी बनते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न सात, प्रश्न सात में ऐसा कहा जाता है, क्या आपको लगता है कि औद्योगिकरण स्वर्णिम परिवार टूटने का एक महत्वपूर्ण कारण है? मतलब देखा जाए पहले के समय में हमारे देश में स्वर्णिम परिवारों की संख्या ज़्यादा होती थी, लेकिन फिलहाल जो देखा जाए भारत में जो स्वर्णिम परिवार की संख्या क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, और एकल परिवार की संख्या क्या हो रही है, धीरे धीरे ज़्यादा हो रही है, बढ़ रही है। तो क्या इसकी एक वजह औद्योगिकरण हो सकता है? तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहले अधिकतर लोग कृषि कार्यों में लगे रहते थे जिससे स्वर्णिम परिवार परिवारों को प्रोत्साहन मिलता था, क्योंकि कृषि कार्य है तो कृषि कार्य क्या होते थे, जैसे फैमिली बिजनेस होता था जिसमें परिवार के सभी सदस्य मिलकर काम करते थे। लेकिन जब कृषि कार्यों से आय में कमी होने लगी तो कुछ लोग इसे छोड़कर अच्छी नौकरियों की तलाश में शहरों में आके बस गए। गांव के युवक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अच्छी आय वाली नौकरियों के लिए शहर में आने लगे। इस तरह इस पलायन से के चलते स्वर्णिम परिवार टूटने लगा। तो ये हमारा थोड़ा सा हम मान सकते हैं कि औद्योगिकरण की वजह से स्वर्णिम परिवार का टूटना हुआ है। बाकी इसके अलावा देखा जाए स्वर्णिम परिवार टूटने के और भी कई सारे कारण हैं, लेकिन उनमें एक कारण औद्योगिकरण भी बनता है कि यहाँ पे देखा जाए, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि स्वर्णिम परिवार टूटने के और भी कई कारण हैं, जैसे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, क्योंकि कई बार जो होता है अपना गाँव वगैरह में या हमारा देखा जाए छोटे शहरों में या कई जगहों पर जो है अच्छी शिक्षा नहीं होती है, बड़े स्कूल नहीं होते हैं, ज़्यादा क्लास तक स्कूल नहीं होते हैं, तब ऐसे माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए जो है अपना शहर की ओर ले आते हैं, अपना स्वर्णिम परिवार छोड़कर अपना एकल परिवार बनाते हैं। इसके अलावा देखा जाए कई बार जो है माता पिता नौकरी के चलते जो है अपना स्वर्णिम परिवार छोड़कर शहरों में आके बस जाते ही है, दूसरे शहर में जाके उन्हें बसना पड़ता है। इसके अलावा देखा जाए अपना स्वर्णिम परिवार टूटने की एक वजह ये भी बनती है कि हमारे यहाँ पर कुछ हमारे गाँव वगैरह में या छोटे शहरों में बड़े हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि यहाँ देखा जाए कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको कुछ ऐसी तकलीफ हो सकती है, बीमारी हो सकती है जिनका इलाज उनके छोटे शहरों में नहीं हो पाता है, और वो बार बार बड़े शहरों में चक्कर नहीं लगा सकते, अपने गांव से या अपने छोटे शहरों से दूर दराज के जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं वहाँ बार बार चक्कर नहीं लगा सकते हैं। ऐसे में जो है वो अपना सोचते हैं कि अपना जो है हम शहर में ही शिफ्ट हो जाते हैं, शहर में ही अपना प्लान कर लेते हैं ताकि हमारा आने जाने का जो समय है, पैसा है वो बचे, और ऐसे में जो है वो अपना स्वर्णिम परिवार उनका टूट जाता है। इसके अलावा देखा जाए कई बार जो है शादी भी जो है यहाँ पर स्वर्णिम परिवार टूटने का प्रमुख कारण बनती है, कि जब यहाँ पर देखा जाए व्यक्ति है, व्यक्ति की शादी वगैरह होती है तब ऐसे में देखा जाए परिवार का संचालन चलना, तो एक वजह जो देखा जाए यहाँ पर शादी भी है, क्योंकि शादी भी जो है यहाँ पर स्वर्णिम परिवार टूटने का एक कारण बन जाती है, क्योंकि शादी के बाद में देखा जाए जो
एक सिचुएशन होती है, एक परिस्थितियाँ होती है, वो पहले के मुकाबले क्या होती है, बदल जाती है। और ऐसे में देखा जाए जो परिवार है वो चाहता है कि अपना जो है सनी परिवार से अलग होके अपना वो एकल परिवार में रहे। तो एक वजह ये भी होती है, वजह जो है सनी परिवार टूटने की शादी भी है, और उसकी कई सारी अंदर से वजह बन सकती है। तो फिलहाल देखा जाए, यहाँ देखा जाए उद्योगीकरण सनी परिवार के टूटने के महत्वपूर्ण कारण बिल्कुल है, हम लिख सकते हैं बिल्कुल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने आपके लिए फेसबुक पर एक पेज बनाया है जिसका नाम है ST लर्निंग सेंटर। एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है STLC। आप फेसबुक पर सर्च कर पेज को लाइक कर सकते हैं, ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ग्रुप से ज्वाइन होने का लिंक दिया गया है, जहां से आप डायरेक्ट फेसबुक ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इस ग्रुप में आपके जैसे हजारों हजारों विद्यार्थी हैं, जिनसे आप अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, जैसे आपकी बुक्स नहीं मिली, आपका आई कार्ड नहीं मिला, हॉल टिकट, प्रैक्टिकल असाइनमेंट और NOC की पढ़ाई लिखाई को लेकर कई सवाल जवाब आप कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी के सवाल का जवाब पता है तो आप हेल्प कर सकते हैं। इस ग्रुप में मैं भी हूँ, लेकिन समय कम होने की वजह से और सैकड़ों हजार विद्यार्थियों के सवालों का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं रोजाना 40-60 विद्यार्थियों के सवालों का जवाब दे पाता हूँ। इसे ज़रूरी है कि आप इस ग्रुप में एक दूसरे की हेल्प करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।